तो ये देखें जी, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, बनाना पैनकेक्स, और ये इतने मज़े के रेडी हुए हैं। आप इनके टेक्सचर से ही देख सकते हैं कि ये कितने फ्लफ़ी हैं और जूसी हैं। तो चलें जी, इनको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बनाना पैनकेक्स की। तो इनको बनाना बहुत आसान है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हम करेंगे, तो आपने एक बाउल लेना है, तो उसमें हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है मैदा, ये मेरे पास है 1 कप, इसको मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी शुगर, शुगर आपकी जो है वो ग्राइंड होनी चाहिए। तो शुगर जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है, जितनी आप डालना चाहें। अब इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालना आपने, तो इतना बहुत है। अब इसमें जाएगा बेकिंग, हमारा बेकिंग पाउडर। तो जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एक बहुत इजी रेसिपी है, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा स्टेप 1 था। इसको हम जस्ट 5 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे, ताकि ये सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सारे मिक्स हो जाएं। और शुगर जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर जो है वो ज़्यादा ऐड करें। तो मैंने जो है वो कप का आधा जो है वो ऐड किया है, क्योंकि ग्राइंड की हुई शुगर है, तो आप जब ग्राइंड करके ऐड करते हैं तो वो कम लगती है। तो अब इसको हम रख देंगे साइड पे, और एक अलग से बाउल लेंगे जिसमें हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करेंगे। तो चलिए अब वो स्टेप करते हैं, वो है हमारा सेकेंड स्टेप। अब है हमारा सेकंड स्टेप, तो आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें बनाना वगैरह डाल देने हैं। तो ये मैंने 3 बनाना लिया है, तो अब हमने इनको करना है मैश इंशाल्लाह। तो मैश जो है आपने इनको ऐसे करना है कि इनको कंप्लीट मैश नहीं करना, मतलब इनके कुछ चंक्स रहने चाहिए। तो ये देखें, मतलब जब आप पैनकेक्स बनाएंगे तो उसमें बनाना के चंक्स नज़र आने चाहिए, उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम कर लेंगे लाइटली सा मैश। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने बनाना जो है मैश कर दिए हैं, और इनके कुछ चंक्स जो हैं वो बाकी हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क। मिल्क मैंने लेना है 1/2 कप, ज़्यादा नहीं लेना, तो इतना बहुत है। अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आप देसी नाश्ते से तंग आ चुके हैं तो आप ये नाश्ता ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। और लास्ट में इसमें जाएगा ऑयल। तो ऑयल मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 टेबलस्पून। तो ऑयल भी हमने डाल दिया है, अब हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स। तो मिक्स हम इसको करेंगे इसके साथ, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमने बनाना मैश करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो अब इसको करना है हमने अच्छे से मिक्स इंशाल्लाह। तो ये देखें, अगर आपके बच्चे जो हैं वो रोटी वगैरह नहीं खाते, तो आप उनको ब्रेकफास्ट में ये बना के दें, उनको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। ये था मेरे पास पहला स्टेप जिसमें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, और अब ये है वेट वाले इंग्रेडिएंट्स। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है अच्छे से इंशाल्लाह।
तो चलिए जी इनको कंबाइन करते हैं। अब इनकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका बैटर जो है वो इक्वली मिक्स हो जाए, जितना कुछ हमने इसमें ऐड किया है ऑयल वगैरह। तो बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब अगला स्टेप है इनको पकाना। तो इनको बनाना कैसे है कि आपने कोई भी ऐसा स्पून ले लेना है जिसमें ये इजीली आपका मिक्सचर आ जाए। तो अब आपने एक नॉनस्टिक पैन लेना है, उसको मीडियम हीट पे रखना है। तो हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसे हल्का सा गर्म करके इतना इतना मिक्सचर लेके आपने पैन के अंदर डालना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है और ऑयल मैंने हल्का सा डाला है, ये देखें। तो अब हम बैटर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पैनकेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने छोटे छोटे साइज़ के पैनकेक्स बनाने हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो सकें, कच्चे ना रहें। तो अगर आपका पैन जो है वो बड़े साइज़ का है तो आप ज़्यादा बना लें, वरना आप एक टाइम पे दो ही बनाएं ताकि ये एक दूसरे से स्टिक भी ना हो। तो अब इनके ऊपर जो है इनकी सरफेस पे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और इनके नीचे वाली सरफेस जो है वो ब्राउन होने लग जाएगी। तो ये इनकी एक इंडिकेशन है कि ये पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर हम इनकी सरफेस जो है वो चेंज कर देंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पैन केक्स की सरफेस पे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और इनकी जो बैक सरफेस है वो देखें ब्राउन स्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। तो माशाल्लाह से ये कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है पैन केक्स का, माशाल्लाह। तो ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है पैन केक्स की, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए से इनका टेस्ट जो है ये बहुत लाजवाब बनता है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी बनाने स्टार्ट करती हूँ। दो हमारे बन चुके हैं और ये गया पैन में। तो बच्चों को ये बहुत पसंद है, स्पेशली नाश्ते में। अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करता तो आप उसको ब्रेकफास्ट में ये बना के दें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएगा और ये बहुत लजीज बनते हैं। तो मैं अब इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें इनका कलर कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। तो बिल्कुल मीडियम हीट पे आप इनको पकाना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी। और एक ये बात है कि ये एक बहुत क्विक रेसिपी है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप इजीली इसको बना लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी रेडी करती हूँ सारे। तो ये देखें बनाना पैनकेक्स रेडी हैं और ये बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। तो आपने इनको गार्निश करना है बनाना के साथ एंड हनी के साथ। तो ये एक बहुत लजीज ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।